आज ही मैंने नारियल का पराठा बनाया है। इसमें मैंने अंडा लगा के ना फिर ऊपर रोटी लगा के पहले अंडा डाला है फिर ऊपर रोटी लगाई है फिर मतलब के लगाई है रोटी। हाँ जी चावल हो गए जी तैयार बेगम। हाँ जी रिहान नाश्ता करके दुकान पे चला गया। मैं कपड़े इसी कलर के काम वगैरह हमने कर लिया है नाले तैयारी कर ली है नाले स्कूल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहे बाद रहें पूरी तरह से मुस्कुराते रहें। हमारा जी शाम का व्लॉग है तो आज जी मनाहिल ने बनवाया जी अंडे वाला स्पेशल पराठा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपने हमारे साथ सब बनाया है आज जी मैंने मनाहिल का पराठा बनाया है। इसमें मैंने अंडा लगा के ना फिर ऊपर रोटी लगा के पहले अंडा डाला है फिर ऊपर रोटी लगाई है फिर मतलब के बनाई है रोटी। अंडे वाला पराठा बनाया है, काट के दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे कहते हैं रोटी को काटना नहीं चाहिए, मैं काट के दिखाती हूँ। प्लेट लेके आना है ये देखिए मनाहिल का पराठा। मैंने कहा देखो कैसे बनता है, काफ़ी उन्हें बनाया है तो मैंने कहा मम्मी ट्राई करके देखो, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। आप लोगों ने नहीं मेरी पराठा चेक करनी तो बाद में माना कर मामा की। अच्छा। मामा को इतना मजे का नाश्ता बना के देती है मजेदार। बाल पकड़ मैं इसको काटू। ठीक है अजीब काट रही है। वैसे तो कहते हैं रोटी को काटना ही चाहिए पर हमने आपको दिखाना तो है। बीच में कुछ नहीं डाला, सब कुछ डाला है, नमक मिर्च डाली है। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नजदीक करके दिखा आपको नजर आ रहा होगा वाइट वाइट। ये देखिए इधर भी ये देखिए नीचे चार मिर्चे आधी और फिर आधी। मैंने कहा था आज मैं तुम्हारा छोटा सा परोठा बनाया है। मामा क्योंकि मैं स्कूल की देर हो गई, अब मैं नाश्ता करूँ। हाँ जी रिहान नाश्ता करके दुकान पे चला गया तो सब आ गया नाश्ता करने, तो नाश्ता कर रहे हैं। मनाहिल ने तैयारी कर ली है। मनाहिल मनाहिल भाई राजा मनाहिल ने तैयारी कर ली है, मनाहिल स्कूल जा रही है। वो बेटा यही पैसे हैं आज, वो 300 रुपये दूध का देना है और ये भाई को देना 10-10 रुपये भाई मल को देना। बस बहुत है ये लो 50 रुपये का अपने अंडा खाया है, खाया कि नहीं खाया आप अपनी ईमानदार से बता दी। अब ये पर ले जाओ और 10 रुपये ले जाओ, चलो 20 रुपये मुझे दे दो। लो लो शाबाश पैसे ले जाओ और ये पल ले जाओ, मूड नहीं खराब करके जाना। शाम नु आके 10 रुपए होर ले ले। ये कड़ा हुनी रह जाना इन्ने, शाम नु भी आके चुन चुन लानी हुंदी आ। चल चल लेके चलना है, हम भी जा रहे हैं स्कूल। उनका टाइम हो गया है भाई, कितना हुआ है तो अब हम स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने खट्टी जो थी मैंने कल चला लिया है तो उसमें मैं दलित दलों जमा कर रहा हूँ, फिर 9वीं में जाकर खोलूंगा दलित को, फिर देखते हैं कितने पैसे निकलते हैं उसमें से। लड़के का वीडियो भी शेयर करूँगा जब वो पैसे निकलेंगे। नहीं जी मैं अच्छी कर अच्छी लूँगा मैं अपनी अच्छी से करके। मैं स्कूल जा रहा हूँ अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। तो आज माशाल्लाह जुमा है और रबीउल अव्वल का दूसरा जुमा है। सब बहन भाइयों को जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जुमे के सदके सब बहन भाई जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला सबके काम में कारोबार में बरकत डाले। तो
मैं कपड़े इसी करने लगी, काम वगैरह हमने कर लिया है, सफाई कर ली है, तो कभी कपड़े इसी करने लगी हूँ, क्योंकि जुम्मे है, सब जुम्मे पढ़ना है, तो मैंने कहा सारे कपड़े इसी करके लटका दूँ, बच्चों के भी कर दूँ और साहब के भी कर दूँ। बच्चे गए स्कूल और साहब दुकान पर गए हुए, तो मैं काम करके कपड़े में, काम तो मैंने कोई नहीं किया, काम आप ही ने किया, इधर हमारे मोहल्ले में फौत की हो गई थी, तो हमारी अम्मा ये क्या पड़ोस में वो फौत हो गई है, तो मैं उधर चली गई थी, उससे अभी आई हूँ तो मैंने कहा कपड़े इस्त्री कर लूँ, जो अम्मा फौत हो गई है सब बहन भाई उसके लिए दुआ करने अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन, और जो उनके पीछे बेटियाँ हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जुमा पढ़ के आ गया हूँ मैं, तो अभी देखते हैं किचन में, बेगम ने खाना बनाया नहीं, आज मेरे खाना लेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी बेगम साहब कितनी देर है? मैंने तो रोटी के हिसाब से बनाया था। अच्छा, रोटी चले चूल्हे पे हट जाएगा तो दूसरी रोटी बना लो। आप ये कौन से चावल बना रही हैं, नमकीन तड़के वाले? अच्छा, ऐसे खाने वैसे खा रहे, सालन हो गया, सालन लगता है। अच्छा जल्दी करें यार, भूख लगी है आज, भूख लग गई पता जल्दी क्यों। हाँ जी चावल हो गए जी तैयार बेगम? हाँ जी। चलो लाएं जी, भूख लगी है बहुत बहुत शदीद भूख लगती है। हाय हाय, मैंने बनवाए लिया जी दाल चावल, बेगम से बनवाए, मैंने नहीं बनाए, मैंने हाथ ही लगाया, मैंने कहा ना आपने बनाने हैं, तो बेगम ने उन दोनों ने बनाए, आप ही ने बनाए, चावल नमकीन और साथ में चने का साग, वो प्याज ही पड़े वो भी उठा के लिया, तो वो ले के आओ ये बाबा को ला चावल चले प्याज गोल गोल प्याज फिर मुझे ना प्याज दे दे मीठा मीठा प्याज मैं चावल छोड़ दिया ऐसे चने चावल का चम्मच नमक भी लेके आया ना, नमक कम है सालों में, बिल्कुल हम आज जैसी हो गया। नमाज पढ़ के आ गए हम, हाथ पाइप सीधा कर रहे हैं, दुकान खोल ली हमने, तो शाम होने वाली है तो मैं खा रहा हूँ चावल, मुझे भूख लग गई है, दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं सोया हुआ था, अपने मुँह में पापड़ डाल दिए, पापड़ खा रहे थे टिकटॉक, तो इन्होंने मेरे मुँह में पापड़ डाल दिया, जब मैं उठा ना मेरे दारों में लगे हुए थे, मैंने कहा ये क्या है, देखा पापड़ थे, तो अब मैं खाने लगा हूँ चावल, चावल और चने फिर खाने। आप ही जीभ निकाल के आप कह रही मुझे भी दो, आपने खाया नहीं है, खाया ना तो फिर मुझे तो भूखे लगे, वैज बाबा सारे मिल जाएंगे, खाली ले कर ना आटा ही मिल जाएगा, आप मुझे कह रहे गंदी चकला था। तो मैं चावल खाऊंगा तो पगे में लग जाकर के घर उनकी बिजली ठीक करने के लिए, भाई के ना दुकान पर है, मैंने कहा मुझे भूख लगी दुकान पर बैठ, मैं खाना खाया हूँ, क्या तो चलो जाओ खाना खाओ, मैं दुकान पर बैठता हूँ, अब दुकान पर बैठा हुआ है, तो मैं खाने आ जाऊँ चावल, बाहर का भी दिन खाता हूँ मैं चावल खा के, माशाल्लाह सब सब पौधे हैं, सूरज सूरज ग्रो होने वाला है, शाम हो गया, अब सूरज डूब होएगा, मगरब हो गया, मगरब की अज़ानें भी होंगी, मैगी अब मैं ना किचन समेटने लगी, बहन जी अब किचन समेटने समेटो, तेरा काम है जल्दी कर लिया कर, फिर तेरे बाबा ने आना, फिर उसको रोटी देनी है, फिर मैं बर्तन धोती हूँ, तो बर्तन ये दो अब गंदे किए तो धो लो बर्तन, फिर मैंने धोने भी तो दे। मैं दुकान से आऊंगा, आपसी पर मुझे खाना देना, तो आप बर्तन धो। अच्छा अच्छा मैं नो वे, अभी खाना खाओ तो निकलो। क्यों?
दुकान पर, मुझे बार बार खबर नहीं होता। आठ बज गए अभी तक साहब दुकान से नहीं है, तो बर्तन आधी रात हो जाती है। काम करते करते पहले साहब ने हाँ साहब को खाना देना है, बर्तन धोने हैं, उसको चाय बनाने देनी है, फिर बच्चों ने खाना है। अभी रिहाने खा लिया, मना ने खा लिया, और अब रिहा रहता है और साहब रहता है, ये दोनों मैंने खा लिया। फिर रोटी बना दी, अब बता मैं चावल नहीं खाती, फिर रोटी खाती, फिर रोटी खा लिया। फिर अपने बर्तन खुद धो लेना। क्यों तू क्या? हाँ जी, तो ये लड़कियों का काम है। लड़के कौन सा करते नहीं, अब तो लड़के भी करने लग गए हैं हमारे घर में। वही बात है, ये लड़की है, ये लड़के का है, ये लड़कों का है बस। यदि ऐसे पुराने जमाने का बाबा तेरी रूह, तेरे में रूह आ गई। यदि ऐसे करता है जैसे का हम इसकी रियान फिर भी कुछ काम करवा लेते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं जैसे का हमने ना इसकी है ना वो जैसे मां उसके क्या होता है पानी है। हां जी रुकरानी है इसका। ये कहते हैं नहीं वो चीज लाके दो, पास में बैठा हुआ हमने उठाने नहीं है। नहीं वो चीज उठा के वहां रख दो, उठाने के रख के कहना है वो है ना आप खुद नहीं उठना। इसने हर काम रोटी में नहीं ला दो, हर काम तो हमें कहते हैं। बहनों भी हुक्म चलता है। जब मम्मा जब ये बड़ा हो गया तब किस पर हमने भी नहीं इसका काम किया करना। तो इसकी शादी कर देगी ना। हाँ। इसकी जाल पड़े से काम मिला। देखा करेगी कि नहीं करेगी, जब ये खुद करेगा फिर मैं इसे पूछूंगी। हाँ जी अक्ल बड़ी नहीं हुई, वहाँ खुद बड़े हो रहे हो। ये भी अपने बच्चे को ऐसे काम करेगा, वो दे दो वो रख दो। गैस आ गई है, मुझे ताजे चावल बना के देने हैं। अपने मसले से गैस आई है, मुझे पता है अभी आ गई है गैस। रोटी भी नहीं दी है और चाय भी बना के दे दी है। जाने लग पड़ी है, पुतिका पड़ा है धोने वाला, ये धोएंगे और साहब को चाय बना के देंगे। तो चलो किचन समेटो, अजान होगी, नमाज पढ़ लो। आप भी नमाज पढ़ने चले दुकान पर जा रहा है, नमाज पढ़ जाओगी। नमाज पढ़ के आओ, सीधा काम है मेरा, दुकान पे जाओ। ठीक है ठीक है। हाँ चलो वजू करो। जब बर्तन धोने की बारी आती है ना रो रो कर पाकिस्तान जिंदाबाद। और है ना मम्मा ना मम्मा ना मसाला गरम कर रही है। मां मैं आ गया था आगे, तो मैं मसाला गरम कर लूं। हां जी मैं रात गरम करके रख दूं, फिर नमाज पढूं। हां जी फिर मैं भी बर्तन धो लूं। करें अभी नमाज पढ़ने चले जाने हो गई है ईशा की। और है ना फिर हां फिर नमाज पढ़ लिया कर। मम्मा पांव दर्द करते हैं, मुझे नहीं नमाज पढ़ी जाती, मैं बाकी सब नमाजें पढ़ती हूं। ईशा की नहीं पढ़ जाती, ईशा की नमाज में पांव दर्द है। फिर आके नमाज पढ़ती हूँ, तो फिर अजान होगी तो मैं नीचे आ गई। मैंने कहा देखा गैस आ गई है, तो ठीक है गैस आ गई हुई थी। ये देखिए अब तो लंबे शंबे निकल गए, देखे कितनी गैस आ रही है। सुबह को आती नहीं है, दोपहर को भी दो बजे गैस वाले नुजरे गैस। बुरी बात बुरी बात बुरी बात। तो दोपहर को भी जब लोग पीछे से खाना वगैरह बना लेते हैं ना, फिर छोड़ते हैं, दो ढाई बजे आती है गैस। वो तो ना अभी खाना वगैरह सबने बना लिया, आठ बज गए गैस आ रही है। वो हमारे साथ बेईमानी करते हैं क्योंकि वो है ना वो आज शाम का ब्लॉग जी हमारा छोटा था, यह क्योंकि आज मुसीबत की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना सका।
तो कहीं गया हुआ था काम, उधर चाचा लिया करता ना, उसके दोबारा चोट लग गई, उनको बिजली वगैरह को ख़राब थी, उधर बिजली बनाता हूँ काफ़ी देर, उधर लग गई मुझे। जुमे के बाद फिर कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाएगा, सुबह इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस यही छोटा सा ब्लॉग है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके।